हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट पर। तो भाई उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जिसके लिए भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पे और व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रहे हैं, सर IRT का फॉर्म आएगा कब आएगा कब। लाजमी है सवाल आना भी चाहिए, बच्चे बहुत सवाल कर रहे हैं क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है, ठीक है, एग्जाम डेट आ चुका है और बिहार का भी अब फॉर्म डेट आने ही वाला है, 20 मार्च के आसपास आ जाएगा। झारखंड का फॉर्म आ चुका है, तो भाई IRT का भी क्यों नहीं आया, उसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो घबराना मत, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखना। और हाँ, सबसे जो मेन मुद्दा जो मैं बात करूँगा कि 100% सिलेक्शन आपको मिलेगा कैसे, रियल कॉन्सेप्ट इतना सिलेक्शन देता कैसे है, उसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इस पर बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि भाई फॉर्म आना ही है, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा ही, फॉर्म भरोगे। अब मैटर करता है कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चे होंगे कि सर फॉर्म आएगा तो तैयारी करेंगे, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। तैयारी करो क्योंकि जो चीज़ होना है तो होना है, फॉर्म को आना है, एग्ज़ाम होना है। अगर आपकी तैयारी अगर अभी अच्छी नहीं है तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, क्या फॉर्म मतलब कि क्या आंसर देकर के आओगे, क्या नंबर पाओगे, क्या सिलेक्शन पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या कहते, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में क्लियर बात कर रहा हूँ, फॉर्म कभी भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपकी तैयारी कितनी तेज है ये मैटर करता है। देखो अगर फाइनली फॉर्म की बात करूँ तो मैं 2020 से ये चीज़ देखते आ रहा हूँ, 2020 और 2021 से मैं चीज़ देखते आ रहा हूँ। 2020-21 कोरोना काल था तो काफ़ी लेट हुआ बाबू, ठीक है। फॉर्म जो सोचो बाबू, जो 2020 के पहले जो एग्ज़ाम मई जून तक होते थे, फॉर्म ही जून तक आया करता है। कब, ये मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2022 में काफ़ी अच्छा हुआ, 2022 में काफ़ी जल्दी हुआ और ये फॉर्म आपका अप्रैल में ही आ गया। इसीलिए हम ये देख रहे थे कि जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन मार्च के लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि देखो जून से अप्रैल तक शिफ्ट हुआ तो और नीचे शिफ्ट हो सकता है और मार्च तक फॉर्म आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फरवरी के लास्ट तक बोला था फॉर्म आएगा या फिर मार्च तक फॉर्म आ जाएगा। इसको देख करके, ग्राफ को देख करके हमने सारे प्रिडिक्शन किए थे। और हालांकि अप्रैल में 2022 में आया था तो इसमें ऐसा नहीं कि अप्रैल में ही आएगा, ठीक है, 2 अप्रैल के आसपास पिछली बार फॉर्म आया था, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्योंकि यूपी के साथ साथ ही पिछले बार एग्ज़ाम भी हुआ था, याद है ना आपको, नहीं याद होगा, मुझे याद अच्छे से कि पिछले बार क्या हुआ था ना कि एक ही डेट पर, डेट कोलैप कर गया था, ठीक है, एक ही डेट पर पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और IRT दोनों का एग्जाम पड़ गया था, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर यूपी ने डेट दे दिया है, यूपी ने डेट दे दिया बाबू कि 1 जून से लेकर के 5 जून तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और फॉर्म का डेट आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसका भी IRT का भी फॉर्म डेट 1 सप्ताह में आ जाना चाहिए। देखो नहीं आता सर, आपने क्या बताया, डेट नहीं है, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, घबराओ मत, फॉर्म आएगा भरना, लेकिन आपको अब चांसेज काफ़ी बढ़ रहे हैं कि आपका जो फॉर्म डेट है ना अब आ जाएगा, क्योंकि IRT के साइट पर आप जाकर के देख रहे हैं ना तो वहाँ पर लिखा हुआ कि IRT एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कमिंग सून लिख के आ रहा है ना, हाँ लिख के आ रहा है, 1350 रुपये फी लगता है, ऑनलाइन कर देना आएगा तो। लेकिन बस जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है कि भाऊ आपको पूरा का पूरा ये 1 सप्ताह में आ जाने का चांस है, नहीं आता 2 अप्रैल को, पिछली बार आया था उसका, अप्रैल में ही आ जाए, बट ये यूपी का आ गया है, बिहार का आने वाला है, झारखंड का आ गया है, तो IRT का भी 100% बहुत जल्दी कमिंग सून लिखा भी है वेबसाइट पे, तो 1 महीने से लिखा हुआ है, बट आ जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो। मैं कोई फिक्स डेट अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, कई वीडियो मैंने बताया था सर आपने बताया आया नहीं, तो भाई हमारे हाथ में है नहीं, और इंटरनल सोर्सेज से भी पता चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि इस महीने में आ जाएगा सर, कोई डाउट नहीं, बच्चे तैयारी करें अपना, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करें बाबू तो 2020-2021 में काफ़ी लेट, समझ रहे हो, अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम हुआ, अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम हुआ 2020-21 में, लेकिन 2022 में काफ़ी अच्छा हो गया बाबू, 2022 में काफ़ी अच्छा हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ आपका ये पता है कब हुआ, ये जून में ही इसका एग्ज़ाम हो गया, सोचो इतना अच्छा हो गया, पहले अगस्त सितंबर, अब क्या हुआ, अभी जून में ही एग्जाम 2022 में, यानी कि 2022 से काफ़ी सिचुएशन सही हो रही, कोरोना काल कम हुआ तो क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब कि आपका जून में एग्जाम होगा उसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है, मैं फाइनली बता देता हूँ, जून में आपका एग्जाम हो सकता मई लास्ट में हो जाए, लेकिन जून में तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जून का आप टारगेट मान के चलो, आपका 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, मोटा मोटी बताया तो 2 महीने टाइम है, आप इसी का वेट करोगे, फॉर्म का वेट करो, आए तो पढ़ाई कर, तो ये अच्छी बात नहीं है, सिलेक्शन आपको लेना है तो भाई ये अच्छी बात नहीं कि आप फॉर्म का वेट करो, आप तैयारी करो, फॉर्म तो आएगा आएगा, समझ रहे हो। एग्जाम आपका जून में होने के चांस है और फॉर्म जब भी अब आ जाए, जब भी मैं बता तो रहा हूँ, जब भी फॉर्म आ जाए, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है, अब फॉर्म आना ही आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, एग्जाम आपका जून में हो जाएगा। अब रही बात कि सर सिलेक्शन होगा कैसे, सिलेक्शन होगा कैसे, तो भाई सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इतिहास गवा रहा है, सबको ये बात पता भी है कि जो एक रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग ऐप है, क्या है बाबू,
आरसी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप तो आपको ये मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा बाबू? स्टोर का ऑप्शन दिखा, और स्टोर के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो IRT लिखा होगा, IRT 2023 लिखा होगा बाबू। क्या लिखा होगा? IRT 2023। इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड के फॉर्म में वीडियो मिल जाएगा जब चाहो, क्योंकि देखो समय कम है तो चाहोगे तो क्या जल्दी जल्दी एक दिन में 4-5 वीडियो देख लोगे, जल्दी जल्दी क्या करोगे पूरा कसर निकाल दो, एक दिन में कई चैप्टर आप खत्म कर सकते हो। रिकॉर्डेड के फॉर्म में ये फायदा है, जब भी ज्वाइन करो तभी से नया बैच मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि पूरा रिकॉर्ड करके वहाँ पर दिया गया है। अब देखो जो चैप्टर नहीं अपलोड है वो अपलोड होता रहेगा, टेंशन मत लो। उसके बाद PDF मिल जाता है, क्वेश्चन वगैरह मिल जाता है। आपको जहाँ डाउट होता है वो डाउट लाइव चलता है। अगर आपको मान लो डाउट है किसी चैप्टर में तो बच्चे बोलते हैं उसको यूट्यूब पर लाइव भी करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको मान लो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, सर क्वेश्चन कैसे होगा क्या होगा, तो व्हाट्सएप पे भेजते हो, बहुत सारे बच्चों को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पढ़ने जाता रहता है। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस आपको क्या करना है रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ये कहीं बार आपको ज़्यादा पैसा नहीं, 999 रुपये देना है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, जो हम जिनको जो इच्छुक होंगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो ऑफलाइन भी हमारी ब्रांच है इलाहाबाद में, सलोरी में, शुक्ला मार्केट में, ठीक है, कृष्णा डेयरी के बगल में एवरग्रीन कोचिंग जो है वहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूट है, उसी कैंपस में हमारी क्लास चलती है रियल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो वहाँ पर भी आकर हमारा ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऑनलाइन आप पढ़ोगे 1000 में पूरा कंप्लीट आप पढ़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्म के लिए आप घबराओ मत, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस यही है, आप समझ गए मैं क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है, पूरा कंटेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? कि भाई बच्चे परेशान हो रहे, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर फॉर्म कब आएगा? वो फॉर्म आ जाएगा, उसका घबराओ मत। देखो ठीक है, जैसे 2022 में अप्रैल में आया था, तो इस बार अब आ जाना चाहिए। अब जब भी आ जाए कोई डेट नहीं, लेकिन अब जब भी आ जाए जितनी जल्दी आ जाए फॉर्म। जून में एग्जाम आपका 100%, मई लास्ट में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो एग्जाम का ये चीज़ें हैं, बट आपको क्या करना है, विश्वास करके हमारे चैनल पर पढ़ाई करना और ऐप को ज्वाइन करके तैयारी कर शुरू कर देना और जम के पढ़ना है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, कितने सीट्स हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कौन सबसे बेस्ट है, ठीक है। उस पर सारा वीडियो हमने बना रखा है, आप जाके देखो, खोज करके देखो। और जो भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ, सर हमने ये जानकारी चाहिए, आप दे दिए, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब पहली बार आप चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Wish you all the best. Thank you so much.